अगला पांचवा प्रकार देखिएगा जब कोई संख्या लास्ट में बच जाए और उसमें भाग ना जाए ऐसी अवस्था में क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा इसमें लास्ट में कोई नंबर बचेगा लेकिन उसके आगे फिर भाग नहीं जाएगा और फिर ऊपर कोई संख्या बची भी नहीं रह जाएगी देखिए तरीका बताता हूँ ये एक नया टाइप है साथ मेरे सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे ये फाइव टू फाइव है ठीक है इसमें तो आपका टेबल जाएगा सेवनटीन का कितनी बार सेवनटीन थ्री जाना यानी सत्रह इक्यावन तीन बार जाएगा तो इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा वन आएगा क्यों फिफ्टी टू से फिफ्टी वन करोगे वन आएगा ऊपर क्या बच रहा है फाइव अब देखो सबसे पहले सिंपल सा बात यह है कि ये वन आ बचा वन में इसका भाग जाएगा नहीं अब ऊपर फाइव बचा मैंने फाइव लिख लिया लेकिन इसको उतारने के बाद भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि इसमें भाग जाए क्योंकि सेवनटीन और बड़ा है ना तो आप क्या करेंगे पहले तो ये नियम होता है कि शेषफल जो आया है उसमें अगर भाग नहीं जा रहा है ऊपर कोई नंबर बचा है तो उसको नीचे उतार लेते हैं लेकिन अगर फिर भी नहीं भाग जाता है तो भाग ले ही जाते हैं ऐसा नहीं हो सकता है प्रॉमिस करके तोड़ दो समझ रहे हो ना उतारने का मतलब प्रॉमिस हो गया आपको भाग ले जाना जाए या ना जाए तो क्या करेंगे जबरदस्ती तो करेंगे नहीं जीरो बार हमेशा भाग जाता है

इन टू क्वेश्चन भाजक गुड़े भाग फल इंग्लिश मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता लेकिन फिर भी आपको सिखाने लायक आता है अगर हम इस भाग को ट्राई रख के भाज्य क्या है आप बताओ कमेंट करके फट से डिविडेंड क्या है फाइव ट्वेंटी फाइव डिवाइजर कितना है सेवनटीन क्वेश्चन थर्टी प्लस रिमाइंडर फिफ्टीन इनको अगर आप देखो मगर प्यार से तो तरह इक्यावन अगर गलत हो जाएगा तो बता देना बिल्कुल इनका कूड़ा करोगे पाँच सौ दस आएगा पंद्रह जोड़ दो तो भैया पाँच सौ दस पंद्रह कितना हो जाएगा पाँच सौ पच्चीस हो जाएगा ना यानी दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा इसका मतलब यह भाग सही है लेकिन एक मिनट के लिए आप सोचिए अगर इसको हम वहीं छोड़ दिए होते तीन बार भाग ले जाके फिर यहाँ पंद्रह सेस बच गया था इसको पहले स्क्रीन ले लीजिए मैं वो बात बता देता हूँ जल्दी करिए तुरंत स्क्रीन लीजिए हो गया चलो मैं वो बात बताता हूं जो आपको बताना चाहता हूं। ये तो सही भाग है, हो गया इसको अब इसमें का भाग जा रहा था यहीं छोड़ देते तो ये गलत था ये गलत क्यों था ये गलत इसलिए था कि अगर इस पर हम तीन रखते तो सत्रह इक्यावन हो जाता तीस तो रखते नहीं क्योंकि ऊपर तीन गया था इक्यावन में पंद्रह आप जोड़ते तो कितना होता जानते हो इक्यावन दस इकसठ पांच छाछ यानी इधर पांच सौ पचीस आता दोनों पक्ष बराबर नहीं आते मतलब ये भाग के इस के इस अकॉर्डिंग गलत था समझ गए ना चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आप भाग करिए फोर नाइन वन में बारह से बारह का भाग करिए फोर नाइन वन फट से करके मुझे बताइए कितना भाग फलाएगा बहुत जल्दी कोई भी भाग सही है या नहीं सही है इसके लिए जो अभी तरीका मैं दिया था ना नीचे ये उसको करके वेरीफाई कर सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी करिए डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी आने वाला है फिर ये क्लास आपकी उस पर अपडेट कर दी जाएंगी डिजिटली वाले में हमारी कोशिश है दिनों दिन की आपको बेहतर सुविधा मिल पाए साथियों ट्वेल्थ का टेबल सबको आता है नहीं आता तो टेबल याद कर लीजिए टेबल याद करना बहुत ही जरूरी है 12 चौक अड़तालीस चार बार जाएगा ना 12 फोर जा 48 एट फोर टाइम जाएगा वन आएगा सब ट्रेक करो अब देखो 12 का टेबल वन में जाएगा नहीं जीरो बार भी नहीं ले जाओगे अभी क्यों क्योंकि हमारा एक जो सिस्टम कहता है भाग भाग करने का वो ऊपर जो नंबर बगल में बचा है उसको उतार लो पहले तब वन मतलब अंतिम प्रयास तब करोगे यहाँ पे वन बचा था इसको उतार लिया लेकिन फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो मैंने अभी अभी बताया था अगर ऊपर से आप कोई गिनती उतारे हैं तो आपको भाग ले जाना ही पड़ेगा जैसे कहते हैं ना जिंदगी में जब तक शादी नहीं की हो ठीक है रह लो अच्छा है लेकिन शादी कर लिए तो तुमको निभाना ही पड़ेगा मतलब हैरान आत्मा जो इसको देख रही करिया रही मुझे इसको बोल के उनके लिए मतलब झेलना पड़ेगा समझ रहे हो तो वैसे क्या है इनको उतार लेने का मतलब मान लो कि शादी कर ही लियो तो इनको भाग अब ले ही जाना है वन बार जो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ट्वेल्व ज्यादा जा, हो जाएगा नीचे ज्यादा का मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा बाप से बड़ा हो जाए यही से हो जा रहा है तो वन बार नहीं जाएगा जीरो बार ले जाओगे आप कितनी बार जीरो बार तो जीरो बार ले जाओगे यहां जीरो आएगा चाहे एक जीरो लिखो चाहे दो लास्ट में फिर वही आएगा घट करके जितना वहां पर लिखा था लेकिन ये हो जाएगा आंसर समझ में आया एक कॉल लिखिए 14 का 993 से 993 में 14 से बात वही हुई इनको करके मुझे भागफल बताना ठीक है 778 में 19 से चलो फट से करो और फिर मुझे बताओ बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना मेरे साथियों अगर आपने पीवीआर स्टडी को चुना है ना तो हमारी कोशिश है मैथ में आपको मास्टर बनाने की बस थोड़ी व्यस्तता है इस वजह से क्लासे अपडेट नहीं हो पा रही थी पुरानी वाली इस बात का मुझे दुख है लेकिन मैं बहुत जल्दी उन्हें आपको नई सकल सूरत में दिखाऊंगा वो और दिन थे जो आप देख रहे हैं वीडियो में हमारी सकल ना होता है संघर्ष के दिन के वीडियो है उनको देख करके भी आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए कम से कम जो पुराने वीडियो देख रहे हैं पहले वाले है ना इनको कर लीजिएगा दोनों को नेक्स्ट छाठवा टाइप देखिए छठवां टाइप देखिए उसके पहले आपको बता दें अगर आप किसी इंसान को सफल देख रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में कुछ बड़ा देख रहे हैं तो वो उसकी एक दिन की मेहनत नहीं है पर्दे के पीछे उसने बहुत मेहनत किया बहुत प्रैक्टिस किया बहुत धूल फांका है तब जा करके वो आपके सामने ऐसे आया है लोगों को लगता है कि ये तो चमत्कार कर दिया बस प्रभु ने इसको आशीर्वाद दे के भेजा था ऐसा नहीं है बंद कमरे में जो मेहनत होती है ना वो नहीं दिखती है दिखती है जब उसका परिणाम आता है आइए छठवा टाइप देखिए जब भाग तीन से ज्यादा स्टेप में जाए और शेषफल आ जाए अब तक आपने देखा दो बार में शून्य नहीं आ रहा था ना अलग अलग प्रकार देखा स्टेप में जाएगा जैसे सिक्स एट फाइव थ्री नाइन सिक्स एट फाइव नाइन थ्री इसमें किससे भाग करना है सेवन से हम आपको अलग अलग चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें सेसपल जीरो आ जाएगा इतना लंबा जाने के बाद भी देखिए कैसे सेवन का सबको टेबल आता है सिक्सटी एट में टेबल काउंट करना है अड़सठ में तो सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री और सेवन टेन सेवनटी मतलब सेवनटीन नहीं बोल रहा हूं 17 मतलब सत्रह सेवनटी मतलब सत्तर तो सेवनटी ज्यादा हो जाएगा नाइन बार जाएगा ना सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री हिंदी भाषा में बोले तो सात नवैया तिरफट नहीं तो ये कहें तो बुकरा, तो बड़ा अंग्रेज होगा नहीं ऐसी बात नहीं हम उत्ता जाने जता आप जाना हैं बस इसको घटाएंगे इसमें से कितना आएगा पांच देखो लिखना भी नहीं आया इसको पोलियो मार दिया वैसे ही जाने दो तो। अब क्या होगा सात का भाग इसमें जाएगा नहीं ऊपर पड़ोसी है इनको भी ले लो इनके साथ में आप कितनी बार जाएगा सात है छप्पन ज्यादा हो जाएगा तो सात बार जाएगा सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन घटा लो भैया वैसे भी जानते हो तुम उनचास में छह जोड़ोगे पचपन आएगा तो छह लिख दो तो बाकी कुछ मत लिखो ठीक है आधा काले से लिख लो चलो अब ऊपर कुछ बचा था हाँ बचा तो था कहाँ ये नौ बचा था ना ए भाई यार देखा ना राजा यार पांच को मैंने यहाँ लिखा था आ, नौ बचा है नौ को यहाँ ला के लिख लो इसके नीचे ये कितनी बार जाएगा नौ बार जाएगा ना हाँ अब ऊपर क्या बचा है कुछ और बचा है ऊपर तीन बचा है ना तो सात नौ तिरफट फिर फिर नौ बार जाएगा देखो इस तरीके से भाग ये गया तो तीन चार स्टेप में लेकिन लास्ट में जीरो आ गया यानी कोशिश तो इन्होंने बहुत किया उठक पटक की लेकिन लास्ट में सब शांत ठंडा लिख लीजिए हम आपको सिखा रहे हैं भाग अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्टेप में भाग कैसे करते हैं वो सब हम आपको सिखाएंगे आप इस क्लास को पूरा एंड तक देखना अगर आप इसे यूट्यूब पर देख पा रहे हैं तो पीवीआर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना क्योंकि डेमो के रूप में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर भी दिखा दिए जाते हैं इसमें से उसमें कोई बुराई नहीं है फुल कोर्स कम समय में बेहतरीन तरीके से और हमारे कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट दिल के संपर्क में रहकर के सीखना चाहते हैं तो पी वी आर स्टडी एप्लीकेशन में सब्सक्रिप्शन लीजिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चलिए इसमें और ले लीजिए एक अठहत्तर पंचानवे अठासी अठहत्तर पंचानवे अट्ठासी चल भैया भाग करो इनको फट से करके मुझे भागफल बताओ कर लोगे सभी ईमानदारी से बता ना देखो यार कोशिश करना चाहिए बस जिंदगी में क्या होगा ये नहीं पता है ठीक है क्या सोचें जिंदगी में क्या होगा क्या सोचें जिंदगी में क्या होगा सफल ना हुए तो क्या हुआ तजुर्बा तो नया होगा ऐसे तो कुछ है ना चलो ट्राई करो आइए देखिए बारह का भाग इसमें जाएगा इसको मिटा यार कितनी बार जाएगा छह बार जाएगा बारह छंग बहत्तर क्यों सही इसमें से घटाओगे कितना आएगा छ अब देखना समझते जाना आगे फटाफट सात बार जाता तो सात दो सात एक कम सात एक आठ चौरासी हो जाता ज्यादा हो जाता अब ऊपर से नाइन उतार लो कितनी बार जाएगा सिक्सटी नाइन में ट्वेल्व का टेबल कितनी बार जाएगा ट्वेल्व यानी बारह पंचे साठ बारह छंग बहत्तर पांच बार जाएगा ना करके देखो भाई पांचे बार जाएगा तो बारह पंचे साठ घटाओगे नौ आएगा ऊपर देखो और कुछ बचा है सेवनटी एट तक हो गया ये नाइन यहां पर उतार लिया था अब ये फाइव यहां उतार लो कितनी बार जाएगा कितनी बार जाएगा हूं बारह सत्ते चौरासी बारह अठे छियानवे ज्यादा हो जाएगा सेवन टाइम जाएगा बारह सत्ते चौरासी है ना ये पंद्रह पंद्रह में से चार गया कितना आएगा पंद्रह का करोगे वैसे सीधा तो घट रहा है वन वन ग्यारह हाँ देखो समझते चलो भैया नौ यहाँ पर उतारा था बचा हुआ पांच यहाँ पे उतारा था अरे चाचा अब तो ये निरहू घेराहू बैठे हैं दूजने इनको भी उतारना पड़ेगा का काहे 12 का भाग अब इसमें नहीं जाएगा क्योंकि छोटा हो गया और बड़ा हो गया तो ऊपर से सपोर्ट लेंगे यहां से अब चला जाएगा ना 12 10 120 ज्यादा हो जाएगा 12 10 120 ज्यादा हो जाएगा तो नाइन बार जाएगा 108 118 है तो 10 आएगा क्यों सही जा रहा है ना 12 9 108 9 2 18 हासिल 1 9 कम 9 10 अभी देखो एक आठ तो यहाँ पे उतार लिया था ऊपर से एक आठ अभी बचा था इसको भी लिख लो तो फिर नौ बार जाएगा बस हो गया आंसर नीचे लिख दो एक सौ तो आठ समझ में आ रहा सभी को ना कोई डाउट नहीं भागफल कितना आया सिक्सटी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी नाइन यानी पैंसठ हजार सात सौ निन्यानवे चलो जल्दी लिखो अगला नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट टाइप चले और भी इसमें कुछ और क्वेश्चन आप लिख लीजिए उनतालीस उन्यासी चौहत्तर उनतालीस उन्यासी चौहत्तर इनको आप छह से भाग करके मुझे भागफल बताओगे जल्दी करो एक और भी लिख लीजिए आप लोग फट से लिखो अठहत्तर पचास सोलह इनको भी भाग करो फटाफट फटा मुझे भागफल बताओ चलो बहुत जल्दी फास्ट उम्मीद है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कुछ लोग तो नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग बहुत देर में समझ में आते हैं कभी कभी देर भी हो जाती है समझने में है ना चलिए तो मेहनत करिएगा कोशिश करिएगा अगर कुछ अच्छा मिलता लाइफ में उसे समझने की सतवा टाइप देखिए इस तरीके से बस देखते जाइए बहुत कुछ दिखाएंगे आपको चल भैया सातवां देखो uh, सातवां टाइप में है? टाइप कहा है सातवां टाइप का हो दशमलव वाली भाग यह है दशमलव वाली भाग चाहे तो लिख लो डेसिमल वाली भाग जैसे दो का भाग करना है अगर किस में ग्यारह में कितना आएगा कंप्लीट इसमें एक कंडीशन है कि आपको शेषफल बचाना ही नहीं है शेषफल बचेगा तो लेकिन आपको बचने नहीं देना है आप चाहे तो हेडिंग लिख लीजिए ऊपर दशमलव वाली भाग कितना बार जाएगा पहले पांच बार जाएगा ना दो पंचे दस घटाने पर एक आया लेकिन हमें शेषफल नहीं बचाना है शेषफल खत्म कर देना है तो क्या करेंगे ले जाओ ले जाओ आगे देखो ट्राई करके देखो ऊपर दस बढ़ा के यहां जीरो उतार लेंगे और फिर पांच बार जाएगा दस इस तरह से जीरो से गया। ऐसे अगर हम आपको और भी दें तो कर लोगे ना सभी हजम हो जाएगा ना चलो चार से भाग करो इक्कीस आईस में आई करते हैं इसको इक्कीस में डिवाइड बाई चार चलो भैया आई लिखते हैं ऐसे बस चार पंचे बीस घटाओगे एक आएगा ऊपर दस बढ़ाओ यहां जीरो चार दूना आठ कर लो कर लो कोई दिक्कत नहीं है घटाओगे दो आएगा जीरो उतार लो चार पंचे बीस बस हो गया डन इस तरह से एक और लिखिए किसी को कोई डाउट कोई तकलीफ कोई कंफ्यूजन तो बता दो भैया कंफ्यूजन नहीं कंफ्यूजन बोलते हैं वो वो थोड़ा थोड़ा लुड़बुड़ा जाता है कभी कभी चलो आ, एक और ट्वेल्व का फिफ्टी फोर में अब इसको आप लोग करके मुझे बताना क्योंकि ये मेरा मन नहीं इसके आगे कि मैं इसको करूं और जिस चीज का मन ना हो उसे करना नहीं चाहिए लिखिए फाइव थ्री चार सौ उनतालीस इनको भी कर लेना आप लोग तिरपन तिरालीस चौरानवे इनको सबको करना है आपको ठीक है डन ये था सातवां प्रकार का भाग जल्दी करें अब हम आप दिखाएंगे आठवां प्रकार की भाग एट नंबर टाइप चलिए आठवां नंबर के लिए रेडी स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या वीडियो को पुश करके लिखा करिए कोई प्रकार की तकलीफ है तो नंबर ऊपर दिया गया उस पर मैसेज करिए जो बच्चे उनको फास्ट रिप्लाई मिलेगा ठीक है आठवा टाइप अगर आप इसे यूट्यूब या डेमो के रूप में देख पा रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक कहीं भी तो पी वी स्टडी डाउनलोड करके आप कंप्लीट कोर्स अच्छे से ढंग से पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन का नाम है। ओके? Okay? भैया ये है बड़ी बड़ी भाग बड़ी बड़ी भाग मतलब ऐसा जिसका कोई अंत ना हो बरका बरका भाग बरका बरका मतलब समझ रहे हो इसके बारे में मैं बहुत विस्तार से बाद में बताऊंगा पहले आप देख तो लो एक आश सकल सूरत इनकी कैसे है इधर ऐसे शुरू करेंगे जिससे खत्म हो जाए उधर तक जैसे सत्रह का भाग करना है एक सौ पांच में तो इनका ना आदि है ना अंत है ये खुदा अनंत है तो पहले कितनी बार जाएगा सत्रह छक्का एक सौ दुई घटा लो भैया तीन आएगा ऊपर दशमलव बढ़ाओ सिलसिला शुरू यहां पे जीरो उतारा सत्रह एकम सत्रह घटाओ इसमें से तेरह आएगा कोई डाउट होगा तो बताया जाना एक बार दशमलव बढ़ाया बार बार जीरो उतार सकते हो सत्रह सत्ते एक सौ उन्नीस घटाओगे ग्यारह आएगा क्यों एक बार दशमलव बढ़ा के रजिस्टर कराए जीरो उतार लो बार बार सत्रह छक्का एक सौ दुई आ? कितना आया आठ आया आपको कोई डाउट इसमें कोई तकलीफ नहीं ना चलो अब क्या करेंगे फिर से जीरो उतार लो दस तो हम लोग बढ़ाया ऑलरेडी तो सत्रह सत्ते, एक सौ उन्नीस सात बार तो जाएगा नहीं पांच बार भी नहीं जाएगा चार बार जाएगा पांच बार कहा नहीं जाएगा क्योंकि एट्टी फाइव हो जाएगा तो चार बार जाएगा दस में से आठ गया दो इसमें से उधार गया सात सात में से छः गया एक ठीक है फिर जीरो उतार लो फिर सात बार जाएगा घटाने पर एक आएगा है ना अब क्या करेंगे भैया ए बाबू अब क्या करेंगे हो अब हम एक जीरो उतार लेंगे फिर वो भाग नहीं जाएगा अब गजब मुसीबत आई एक जीरो उतारा फिर नहीं जा रहा है फिर एक जीरो और उतारेंगे लेकिन यहां पर लिमिट पार हो रही है अब एक बार दशमलव बढ़ाया तो आपका बहनामा नहीं हो गया आप बार बार जीरो उतार सकते हो लेकिन एक ही ये नहीं चाचा विधायक है हम चाचे जितना उतारेंगे ऐसा नहीं एक ही उतारेंगे लेकिन अगर हमने दो जीरो लिया है एक साथ में तो हम एक जीरो इसको भी देंगे जैसे आपने देखा नहीं आजकल हमारे देश में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भ्रष्टाचार का घूसखोरी वाला अगर छोटा सा चपरासी लेवल का भी कोई बंदा घूस ले रहा है ना तो ऊपर साहब को भी खिलाता है ऐसे अकेले नहीं खाता है हुं? जैसे समझो कि ये लिया तो अकेले नहीं खाएगा इसको भी देगा तभी हजम होने वाला है बात बराबर चलो समझ रहे हो ना छोटी बात समझ लीजिए जैसे अगर गांव में कॉलोनी आई है ग्राम प्रधान खा रहे हैं सड़क का पैसा आया खा रहे हैं तो बीडीओ को भी खिलाते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऐसे कुछ होता है ना उसके ऊपर डीएम सब चलता है चलो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं इसमें गरियाना मत चलो कितनी बार जाएगा अब यहां समझ गए जीरो बढ़ाया यहां भी जीरो उतार लिया ये काम खत्म हो गया अब इसमें सौ में कितनी बार जाएगा छह बार तो जाएगा नहीं पांचे बार जाएगा नीचे दिख रहा है ना सत्रह तो पचे पचासी घटाओगे पंद्रह आएगा ना मेरे भाई अब पंद्रह कहां लिखोगे बबुआ अब पंद्रह यहां लिख लो यहां लिखो पंद्रह पंद्रह यहां लिखो समझते चलना यहां के बाद भाग यहां आ गई ट्रांसफर हो गई अब पंद्रह आया पंद्रह में तो भाग जाएगा नहीं फिर क्या करेंगे जीरो उतार लो सत्रह का भाग डेढ़ सौ में कितनी बार जाएगा सत्रह अठे एक सौ छत्तीस सत्रह एक सौ तिरपन आठ बार जाएगा आठ पते छप्पन आठ एक आठ पांच तेरा घटाओ चौदह आएगा हाँ ठीक है फिर अब चौदह में तो भाग सत्रह जाएगा नहीं फिर जीरो उतार लो अब कहोगे कब तक जाएगा जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक करो ना ये वही भाग है जब तक मतलब अंतिम इच्छा तक करो ये कटने वाली है नहीं मुझे नहीं पता कब कटेगी ऐसे तुम ले जाते रहो तुम भी करोगे आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे लड़के बच्चे करेंगे लड़के बच्चों के बच्चे भी करेंगे तो तुम क्या बन जाओगे पता है आ, क्या होता है यार पापा के ऊपर जन होते हैं मतलब बाबा यानी आपके क्या हो जाएंगे नाती पनाती छनाती सब हो जाएंगे और वो सब भाग करेंगे यही यही भाग करेंगे यही वाली कहेंगे हमारे आजा छोड़ के गए थे खत्म नहीं होने वाली है तो इन्हें क्या बोलते हैं ये रिपीट भी नहीं हो रहा कुछ इसमें इंग्लिश भाषा में इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग या नॉन रिपीटिंग ठीक है अनवसानी अनावर्ती आफान्त दशमलव प्रसार इनके ये सारे एडवांस नाम है जो आपके काम का है चलिए एक आध बार और कर लेते हैं थोड़ी और इच्छा पूरी कर लें तो 17 अठे एक सौ छत्तीस घटाओ कितना आएगा चार फिर जीरो उतार लो फिर चालीस आ गया देखो सौ के ऊपर गया था फिर छोटा आ गया फिर 17 तिया फतरा दू जाएगा चौतीस घटाओगे फिर छह आ गया फिर साठ बन गया फिर ले जाओ इसे जाता रहेगा अभी को छोड़ दो करने को तो अगर और कोटिमान में पढ़ा होगा वन सेवन आप मैक्सिमम तीन अंक तक लिखा जाता है तो इसको सिक्स इतने छोड़ देंगे बस यहाँ पे एक थोड़ा और काम की चीज बता दें अगर कहीं आपको कन्फर्म आंसर लिखना है सिर्फ एक ही अंक में लिखना है मान लो जैसे सिक्स पॉइंट वन सिक्स पॉइंट टू ऐसे ही बताना है उससे ज्यादा नहीं बताना है तो आप इसको सिक्स पॉइंट टू लिखोगे काहे को देखो समझो हमें जिस अंक तक लिखना है अगर एक अंक तक लिखना था तो इसके बाद वाली गिनती देखते हैं इसके बाद की जो गिनती है अगर वो जीरो से चार तक है जीरो से चार तक है तो हम उस गिनती को वैसे सेम टू सेम लिख लेते हैं उसमें कुछ बढ़ाते नहीं है जैसे इसको मैंने 6.1 को 6.2 कर दिया अगर ये सात नहीं होता तीन होता तो इसको हम 6.1 ही लिखते लेकिन अगर ये पांच से लेकर के नौ तक है पांच से नौ तक है तो इसकी जो गिनती है जैसे वन था ना ये इसके बाद में जो है अगर वो पांच से नौ के बीच का है तो इसमें एक बढ़ा देते हैं जैसे इसमें बढ़ा दिया ठीक इसको ऐसे समझ लो आप कि अगर ये ऐसे होता वन थ्री और ये सिक्स तो इसको हम फाइनल में लिखते तो सिक्स पॉइंट वन ही लिखते तू नहीं करते क्यों क्योंकि वन के बाद का जो गिनती वो तीन है तीन जो है जीरो से लेकर चार के बीच में आ रहा है ये काम की बात थी ठीक है लिख लो भाई लिख लो लिख लो आगे बढ़े जल्दी करो हो गया डन चलिए नो प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए लाइफ में अगर कोई समस्या है तो उसे जरूर शेयर करो किसी ना किसी से कभी कभी हम ना उसका समाधान होने के बावजूद भी नहीं शेयर करते किसी से हल नहीं हो पाता झेलते रहते हैं एक ताज़ा एग्जाम्पल बताएं जो टेक्निकल चीजें होती हैं आपकी क्लास रिकॉर्ड करने में ओबीएस स्टूडियो से रिकॉर्ड होता है प्रायः अगर आप जुड़े हैं कहीं इससे तो आपको पता होगा जब मैंने मैकबुक लिया नया तो उसमें विंडो में तो हो जाता था इसमें बड़ा झोला होता था यार ये इतना महंगा लेने के बाद भी लाइक करता था और सिस्टम सेटिंग नहीं हो पाती थी मैं सोचता किस से पूछूँ तो हमारे दोस्त ही हैं सब बातचीत होती थी ऐसे लेकिन कभी मैं सोचा नहीं कि उनसे पूछ लूँ अभी फ़ोन किया एक दिन उसकी कुछ प्रॉब्लम थी उसी से संबंधित तो मैंने कहा अरे यार, यार ये तो मेरी भी प्रॉब्लम थी करा रहे तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम क्या है हमारी कुछ अलग थी उसकी कुछ अलग थी मतलब मैं उसकी प्रॉब्लम का समाधान कर दिया हो मेरी दोनों की बात बराबर लेकिन वही मैं अगर कुछ दिन पहले अपनी समस्या शेयर किया होता तो हो गया होता और आपको क्लास और बेहतर अब तक मिल रही होती लेकिन कहते हैं ना दबा के बैठे थे तो बैठे थे तो शेयर करना चाहिए अब ऐसा नहीं कि आपकी वाली की लड़ाई हो गई है घर की बात तो उसको बता दो नहीं ये सब नहीं करना क्योंकि जब किसी परिवार में निर्णय करने के लिए बाहर का कोई व्यक्ति आने लगे ना तो परिवार फिर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है इसलिए ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए चलिए अगला देखिए सड़सठ छ सो सड़सठ इनमें भाग करना है भाग करके मुझे भागफल बताना चार पांच अंक में सात अंक में जितने में कर पाओ हा? अगला लिखो, एक सौ अठहत्तर सत्तानबे उनचास सत्तानबे उनचास आठ सौ इकतालीस इनको करना दस के बाद सात अंक तक सभी को सात अंक तक कर लेना चार सौ साठ सात सौ बानवे इनको सबको करना है ठीक है ये लॉन्ग डिवीजन है बड़ी बड़ी भागे हैं जिनका कोई अंत नहीं होता है चलिए आगे बढ़े तो ये हो गया साथ ही मेरे आठ प्रकार की भाग अभी इसमें तीन चार प्रकार और भी देखना है नौ नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे अब मतलब है यही सब चीजें समझाया भी हूं लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे नौ नंबर डालिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ठीक है चलो नौ no नंबर लिखो क्या मैंने बोला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन समझ ना क्या करना है नौ no नंबर ना लिख दिया ठीक है इसमें क्या होता है कुछ स्टेप बाद uh, भागफल शून्य आ जाता है ठीक है चलिए एक्सपेंशन इसको मैं आपको थोड़ा सा अगर कहो तो विस्तार में बता दूं वैसे भाग वाला ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं तो जाने दीजिए नहीं समझ ही लीजिए ये भी इसी में काम का है जैसे अगर मान लेते हैं कि हमें भाग करना है ऐसे 170 में 25 से ठीक है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं इसकी पहचान क्या होती विशेष रूप से जानते हो देखो जो हर है ना एक चीज समझो पहले इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें भी कोई बुराई नहीं है इसका इसका और इसका मतलब एक है ठीक है तो मेरे भाई यहां पे यह समझो कि इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं पता है आपको इस पच्चीस को हम लिख सकते हैं एक सौ मतलब सत्तर और पांच गुणा पांच लिख सकते हैं यानी मोटा मोटा कहने का यह मतलब है कि जब हर यानी जो नीचे वाली संख्या है उसका क्या गुणनफल गुणनफल तो कम सही रहेगा उसका गुणनखंड फैक्टर उसका फैक्टर या तो दो आए सिर्फ और सिर्फ दो आए या पांच आए या दो और पांच दोनों आए ठीक है मतलब या तो दो आए या तो पांच आए या फिर दो और पांच दोनों आए तब उसका दशमलव प्रसार शांत होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है है टर्मिनेटिंग होता ठीक है तो इसमें क्या है सिर्फ पांच आया है तो ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है यानी जब हम इसमें पच्चीस का भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा जीरो सेसफा आएगा कुछ स्टेप के बाद आइए देखिए कैसे समझने की कोशिश करिएगा पूरा भरपूर समझ गए ना मेरी बात इसको कुछ और भी बातों से समझ लो पहले समझ लो फिर भाग करेंगे बाद में जैसे एक दूसरा मैंने दिया ये मान लो इसको ए मान लेता हूं एक बी ले लो मान लो कि 135 में हमने भाग किया 50 ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है काहे को काहे को आप इसको ऐसा कर सकते हो 50 को हम लिख सकता हूं 10 गुड़ा पांच और इसे और ज्यादा तोड़े तो हम ऐसा लिख सकते हैं दस को हम लिख सकते हैं दो गुड़ा पांच और ऑलरेडी एक पांच है यानी ये दो और पांच के रूप में आ रहा है बाकी कोई और संख्या नहीं आ रही ना बीच में तो ये क्या है दस हम लोग है ना हम्म कोई डाउट नो <laughs> डाउट oh, no. oh, no इस तरीके से साथ ही मेरे और भी चीजें कर लोगे आप लोग जैसे मान लो अठारह

अब इसको भाग अगर आप करोगे ना तो ये सारे भाग चले जाएंगे पूरा पूरा सेजफल जीरो आएगा करके देख लो चाहे चलो करके दिखाता हूं चलो लो समझो चलो पच्चीस का भाग करो पच्चीस का भाग करो इसमें एक सौ सत्तर में करो एक बार देखो करो पच्चीस छक्का डेढ़ सौ घटाओगे बीस आएगा ना देखो भाई इसमें आप, आप क्या करोगे आप ऊपर दशमलव बढ़ाओ यहां पे जीरो उतारो पच्चीस अठे दो सौ इस तरह से आपका पूरा पूरा ये कंप्लीट चला गया जीरो आ गया से फल इसके पहले आपने देखा था दशमलव बढ़ाने के बाद भी कोनो मतलब नहीं निकला ना तो ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इस तरीके से जैसे आप कोई भी और देख लीजिए मान लीजिए कि हमने कहा कि भैया चलो पांच का भाग करना है हा? कुछ भी नंबर हो जैसे मान लो एक सौ अट्ठावन तीन दो यह भी पूरा पूरा चला जाएगा क्यों क्योंकि जिससे भाग कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पांच है इसको हम ऐसा लिख सकता हूं वन फाइव एट थ्री टू अपन फाइव चूंकि नीचे जो डेनोमिनेटर है वो सिर्फ और सिर्फ फाइव है और अगर सिर्फ फाइव है या सिर्फ टू है या टू और फाइव में से दोनों है तो उसका पूरा पूरा भाग चला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है ठीक है चलो भाग कर लो इसमें ऊपर लिख देता हूँ पान तिहाई पंद्रह घटाओगे जीरो से इस फल ऊपर से आठ उतारो पाँच कम पाँच घटाओगे तीन आएगा ऊपर से दो उतारो पाँच तीस घटाओगे दो आएगा हाँ? देखो यहाँ पर मैंने ऊपर से आठ उतारा था यहाँ पर मैंने क्या उतारा था आठ के बाद देखो भाई यहाँ पे तीन उतारना था ठीक है तो पे आता है उसमें क्या बुराई है? अभी दो उतारना है अब पांच तीस घटाओगे दो आएगा ना ऊपर दस हम लोग बढ़ा लो मेरे भाई यहाँ पे जीरो उतार लो पांच को बीस देखो फाइनल में जीरो ही मिलेगा आपको शेषफल ठीक है कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को लिखो जल्दी डन आगे बढ़े चलिए इस तरीके से आप और भी विभिन्न प्रकार के भाग कर सकते हैं पांच चौबीस इतना ही था ना लिख लो जल्दी से भैया चलो फास्ट करो आगे बढ़े कोई डाउट नहीं कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं ना ठीक है अब क्या करना है अब क्या करना है खत्म हो गया इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आप लोग कर लेंगे अगर चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे 200 का भाग तीन में करना है कुल मिलाकर के ये कहने का है कि नीचे जो नंबर है उसका अगर फैक्टर करने पर उसका अगर फैक्टर करने पर जो गुणनखंड है वो दो के रूप में आए या पांच के रूप में आए या सिर्फ दो और पांच दोनों के रूप में आए तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है दशमलव बढ़ाने पर पूरा पूरा भाग चला जाएगा फिर जीरो से आ जाएगा ठीक है इनको क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हिंदी में बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती ऐसे कुछ हिंदी कम कन्फर्म है इंग्लिश कन्फर्म है ठीक है इसके अलावा साथियों होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग आ? यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकॉरिंग टाइप नंबर टेन में है टाइप नंबर टेन लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकॉरिंग रिकॉरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ओके okay? यानी दशमलव पर फार। इसमें एक का नंबर बार बार रिपीट होता है जैसे देखो वन अपान थ्री राइट एज थ्री ओके साथ ही मेरे इसको एफ ए भी आप कर सकते हो ऊपर पहले जीरो बार भाग जाएगा यहां पर घटाओगे वन आएगा दशमलव बढ़ाओ जीरो उतारो थ्री बार जाएगा घटाओगे वन आएगा एक बार दशमलव बढ़ाया फिर जीरो उतार लो फिर थ्री बार ऐसे देखोगे फिर जीरो उतार लो फिर थ्री बार ऐसे देखो इसमें कोई राव रंग नहीं आने वाला ये बार बार ऐसे जाता रहेगा इसका कभी आदि अंत नहीं है तो फाइनल में इसको क्या बोलते हैं जीरो पॉइंट थ्री थ्री के ऊपर बार ऐसे एक लाइन खींच देते हैं इसका मतलब है कि आदि अनंत तक गया है लिख लो जल्दी इसे ऊपर ऐसे भी लिख लो एक लाइन लिख लो ये बस यहां पर अनंत जहां पे कोई अंत ना हो ठीक है कोई डाउट्स किसी को नो no डाउट चल भैया आगे नेक्स्ट अगला इसमें लिखिए नहीं देख पाए थे नहीं लिखे थे तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा अगला जैसे तीन का भाग एक में करें हो गया अब बीस में तीन का भाग बीस में तीन का भाग करके मुझे बताओ सभी चलो गेट फास्ट हम्म इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे फी नंबर पांच बटा नौ चल भैया ये बताओ ये कौन मुसीबत है नौ का भाग पांच में करना है इसको ऐसे भी कर लोगे आप नौ का भाग जाएगा कितनी बार जीरो बार पहले जाएगा जीरो घटाओ पांच आया दशमलव बढ़ाओ जीरो उतारो नौ नौ इक्यासी नौ पचे पैंतालीस ना घटाओगे पाँच आएगा जीरो उतारो नौ पचे पैंतालीस फिर घटाओगे फिर पाँच आएगा फिर ऐसे ऐसे जाएगा ये कटने वाला नहीं है अब ये पाँचे पाँच जाएगा बार बार चाहिए इतनी बार ले जाओ तुम ठीक है इस तरह कैसे आप लिख सकते हो इसे जीरो पॉइंट फाइव 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 दार 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 ऐसे आनंद का चिन्ह बना दो नीचे लिख दो तो, जीरो पॉइंट फाइव के ऊपर बार ऐसे मतलब ये बार बार रिपीट है समझ में आया कोई डाउट नहीं।, नहीं ना चलो अगला इसी टाइप का और भी आप कर लो भैया तेईस में तैतीस का भाग कर लो तेईस में तैतीस का कर लो और बोर नहीं होना मजा नहीं आ रही का है अक्षरा का वीडियो थोड़ी देख रहे हो कि कुछ 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 हो रहा है कुछ कुछ तो होगा नहीं केसारी का देखते हो तब कुछ कुछ होता है अब वहीं कपिल शर्मा कॉमेडी देखोगे तब भी होगा अब हमको देख के किसी का होगा है ना चलिए तो थोड़ा थोड़ा होता रहे आपको हमारी कोशिश ये जिससे आप जागते रहो सोना नहीं है चलो बस खत्म हो गया खत्म हो गया जग रहे हो सभी ना एक बार बताओ भाई कमेंट करके मैं देख रहा हूं सबको देख रहा हूं सबको देख रहा हूं जो मुंह धुल के बैठा है जो वैसे बैठा है बुरी हालत में उसको भी देख रहा हूं चलो इनको भी ऐसे आप कर लीजिएगा सेवन नाइन वाला भी कर लेना भैया सेवन में नाइन का भाग करना है चाचा ये ऐसे करना है चलो ये था दफ नंबर का भाग मतलब टाइप नंबर दस एक लास्ट टाइप है मेरे भैया मेरे बाबू आप इतना देर जब देखा ही लिये हो तो का है को फिर चलो लास्ट टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग रिक्वरिंग इसमें था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग इसमें रिपीट हो रहा था बार बार इसमें ना एकदम हट्टी टाइप का जिद्दी टाइप का अरे वही जो लॉन्ग भाग अभी देखे थे बिल्कुल वही ये भी है लेकिन एक बार और करवा दिया हूं बस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग रिकिंग या रिपीटिंग मतलब एक है जैसे अगर आप देखो अंडर रूट टू अंडर रूट तीन इनके मान जो है ना वैसे होते हैं या आप एक और ले लो दू बटा ग्यारह दी बटा ग्यारह ले लो चलो दुई बटा ग्यारह ये भी क्या है इसी का एग्जाम्पल है जैसे अगर ग्यारह का भाग करना है दो में जीरो बार ले जाओ पहले जीरो दस हम बढ़ाओ वन बार जाएगा घटा लो नौ आएगा जीरो उतार लो ग्यारह अठासी घटाओगे दो आएगा जीरो उतार लो ग्यारह ग्यारह घटाओगे नौ आया जीरो उतार लो ग्यारह अठे अठासी एक अच्छा सुना ना अब यही बार बार जाएगा वन एट वन एट वन एट वन एट वन एट मतलब दिमाग का दही बन जाएगा एकदम कटने वाला नहीं है तो क्या करोगे मतलब यार ये कुछ टाइप क्या था नॉन रिकॉर्डिंग ना, ना? क्यों ये इसका एग्जाम्पल सही नहीं है ये इसमें का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नहीं ये तो रिकॉर्डिंग वाला हो गया ना फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है, बार बार रिपीट होगा सॉरी कुछ इसमें बुरा नहीं हुआ इसको करने का कोई नुकसान नहीं है लेकिन ये इसका एग्जाम्पल सही नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये बार बार रिकॉरिंग हो रहा है रिपीट हो रहा है इसमें क्यों लेकिन एक चीज और है ये इसके अंतर्गत भी आ सकता है क्योंकि एक ही सेम नंबर रिकॉरिंग नहीं हो रहा है अलग अलग बदल रहा है ना फिर भी सही सही एकदम सटीक जो इस पर बैठता है वो ये है अंडरवुड टू अंडर वुड टू, टू और अंडर वुड तीन इनके मान कुछ ऐसा ही होते हैं जैसे ले लो जीरो पॉइंट तिहत्तर बीस पचास अस्सी लेकिन इसको आप ऐसे नहीं पढ़ना आ, पचास अस्सी पचहत्तर लेकिन ये ऐसे पढ़ा नहीं जाएगा ठीक है इसको ऐसे नहीं पढ़ते दस तो हम लोग के बाद ऐसे पढ़ते हैं वन पॉइंट सेवन थ्री टू जीरो फाइव जीरो एट जीरो सेवन फाइव डॉट 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 यहाँ पे देखो कुछ रिपीट नहीं सब अलग अलग ना ऐसे ही ये कैसे निकलता है भाग विधि से जिनको वर्गमूल नहीं आता है आप आगे देखना मैं वर्गमूल सिखाऊंगा भाग विधि वाला तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा ठीक है क्या भाग विधि से वर्गमूल हा? इस तरीके से इसको भी कर लो अगर आप रूट तीन वाला तो इसमें भी ऐसे कुछ आएगा यार ये तीन का मान तो मैं लिखा हूं भाई सॉरी बस हो गया अंडरवुड दो वाला देखो क्या आएगा ऐसे कुछ आएगा ना ऐसे कुछ आएगा ये सभी क्या है ये थे भाग के दस जिसमें दशमलव से दशमलव वाली संख्या में भाग होगा वही वेरिएबल और वाई का भाग जो है ये सब अलजेबर एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में होगा लेकिन इस वीडियो में आपको मैंने भाग करना बिल्कुल सिखा दिया शुरू से अंत तक इस तरीके से जो बड़ी बड़ी भाग होती हैं उनको भी ऐसे ही करते हैं सारा कॉन्सेप्ट बता दिया हूं बाकी इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिन्हें आप खुद से करेंगे किसी को कोई डाउट है कोई तकलीफ है कोई दुख दर्द है तो मुझे बताओ नहीं तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बेस्त रहें मस्त रहें खुश रहें और अगले को भी खुश रखें बस इन्हीं उम्मीदों के साथ बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहुत जल्दी आएंगे अगली क्लास के साथ अपडेट कर रहे हैं हम पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स स्टडी ऐप में अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो ऊपर नंबर दिया गया स्क्रीन पर संपर्क करिए ज्वाइन जेड एल एम लिख के भेजिए